टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में विकेट कीपिंग बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना के पैरासूट रेजिमेंट के साथ 2 महीने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। धोनी ने बुधवार को बटालियन ज्वाइन की जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। धोनी भारतीय सेना में ट्रेनिंग के चलते क्रिकेट से ब्रेक पर हैं और वेस्टइंडीज दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पिछले कुछ समय से धोनी चाह रहे थे कि रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग करें लेकिन क्रिकेट कमिटमेंट के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। धोनी के ऐसा करने से भारतीय सेना को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और धोनी भी ऐसा ही चाहते हैं। धोनी 31 जुलाई से 15 अगस्त के बीच बटालियन के साथ रहेंगे। यूनिट कश्मीर में है और विक्टर फोर्स का पार्ट है तो धोनी भी इस दौरान कश्मीर में रहेंगे। वो पेट्रोलिंग गार्ड और पोस्ट ड्यूटी का काम करेंगे और ट्रूप के साथ रहेंगे। 38 वर्षीय धोनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2011 में भारतीय सेना ने धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी थी। धोनी विश्व कप 2019 के बाद क्रिकेट से दूर हैं। विश्व कप के बाद ही लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।